हेलो बच्चों, मैं सरोसिनी फ्रॉम जीएसएसएलसी सर जंक्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि आप साथ में चेक करेंगे कि आपने कितने लर्न कर लिए हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन के ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है अल्फोंस डोडेट। ये बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। आप साथ में अपना चेक करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड एम हेमल सर्व हिज स्कूल? कितने सालों तक एम हेमल ने स्कूल में सेवा दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 40 इयर्स। तो कितना आएगा बच्चों? 40 साल तक उन्होंने सेवा दी थी। विच टॉपिक वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर एज होमवर्क? किस टॉपिक के लिए फ्रेंड्स अपेक्षा कर रहा था कि होमवर्क के रूप में उसको तैयार करने के लिए दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों पार्टिसिपल्स। तो उसको क्या याद करने के लिए दिया गया था? पार्टिसिपल्स याद करने दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फर्स्ट डे कवर द थर्ड लेवल? तो चैप्टर थर्ड लेवल में एक वर्ड आया था फर्स्ट डे कवर। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर है बोट ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन टिकट को जब खरीदते हैं, एंड पोस्टेड टू वन सेल्फ, और स्वयं के नाम पे या स्वयं के एड्रेस पे जिसको पोस्ट कर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट डे कवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बोर्ड ऑन द फर्स्ट डे पोस्टेड टू वन सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डिड गांधी गिव टू द पिजेंट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर? गांधी जी पाठ के अंत में जो पिजेंट्स थे, किसान थे, उनको क्या संदेश देते हैं? तो क्या संदेश देते हैं? द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। क्या पाठ सिखाया था उन्होंने? आत्मनिर्भर होने का, आत्मविश्वासी बनने का लेसन उन्होंने सिखाया था। तो करेक्ट आंसर इसका होगा द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉगलस वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर। तो डॉगलस किस बात के लिए दृढ़ निश्चय थे? किस चीज पर विजय हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय थे? तो किस पे थे वो? हिज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है बच्चों? पानी से जो डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो डॉगलस किस बात के लिए डिटरमाइंड था कि जो उसको पानी को लेकर जो डर है वो उसको निकाल के रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हिज हाइड्रोफोबिया। हु वाज यूमी इन द चैप्टर द एनिमी? द एनिमी लेसन में यूमी कौन है बच्चों? तो यूमी कौन थी? डॉक्टर सदाव के बच्चों की देखभाल करने वाली सर्वेंट थी, नौकरानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केयर टेकर ऑफ डॉक्टर सदाव चिल्ड्रन। तो डॉक्टर सदाव के बच्चों की वो क्या थी? केयर टेकर थी, देखभाल करने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ? हेमल जो टीचर है उन्होंने लेसन में अपने आप को क्या है? ब्लेम क्यों कर रहे थे? दोषी क्यों मान रहे थे? क्योंकि उन्होंने क्या लगता था कि बच्चों को वो छुट्टी के दिन क्या है, बार बार उनको छुट्टी दे दिया करते थे, पढ़ाते पूरा नहीं थे, तो उनके लिए वो दोष देते हैं। गिविंग स्टूडेंट्स ए हॉलीडे एट टाइम्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? गिविंग स्टूडेंट्स ए हॉलीडे एट टाइम्स। नेक्स्ट, फ्रेंको प्रुशियन वार वाज फोर्ट इन। तो फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम 1870 to 1871। 1870 से 1871 के बीच में फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स रिटन बाय एम हेमल? कौन से शब्द हैं अंतिम शब्द एम हेमल जो टीचर था उसके द्वारा लिखे गए? तो उन्होंने क्या लिखा था? वी वे ला फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है वी वे ला फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर माइटी डेड इन द पोएम। कविता में शक्तिशाली मृत लोग किन के लिए ये शब्द यूज हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेट रिस्पेक्ट वर्दी एंसेस्टर्स स्पेशली डेड सोल्जर्स, मतलब जो महान सम्मान के उनके योग्य हैं, जो पूर्वज हैं उनके लिए डेड माइटी डेड शब्द काम में लिया गया है। एंसेस्टर्स वो कौन से एंसेस्टर, पूर्वज, जो मृत सोल्जर्स हैं उनके लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो अमृतत्व का पेय है उसका क्या प्रभाव है, तो इसका क्या प्रभाव है इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, एक विशाल आनंद और खुशी इससे प्राप्त होगी। तो इमोर्टल ड्रिंक का इफेक्ट क्या होगा, इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट सर्कमटेंस मेक मैन अनहैप्पी, कौन सी परिस्थितियां हैं वो आदमी को क्या है नाखुश कर देती है, तो किस वजह से ज्यादा दुखी रहता है, सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी, अगर किसी व्यक्ति की स्वयं केंद्रित प्रवृत्ति है, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में वो सोचता है तो वो हमेशा दुखी रहेगा, खुश कभी नहीं होगा। अगर वो दूसरों का भला सोचेगा तो हमेशा खुश रहेगा। तो कौन सी परिस्थिति व्यक्ति को दुखी कर देती है, सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी, स्वयं में केंद्रित रहने वाली प्रवृत्ति। हु इज द पोएट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता के कवि कौन है, तो ये इसके कवि हैं जॉन किट्स। तो कौन इसके पोएट, जॉन किट्स इसके पोएट है। विच थिंग्स कॉज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स, कौन सी चीजें हैं वो मानव प्राणियों के लिए दुख का कारण बनती है, तो कौन सी चीजें बनती है दुख का कारण, लेक ऑफ वर्च्यूज एंड इनह्यूमन एक्ट्स, लेक मतलब अभाव, तो सद्गुणों का अभाव है या अमानवीय कार्य हम करते हैं तो वो हमारे ह्यूमन बींग्स के दुख का कारण बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेक ऑफ वर्च्यूज एंड इनह्यूमन एक्ट्स, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ट्री रूम इन द पोएम, कविता में ट्री रूम से क्या अर्थ है, ट्री रूम किसको कहा गया है, ए रूम ऑन ए ट्री वेयर स्पिरिट्स प्ले, तो ट्री रूम को किसको कहा गया, पेड़ के अंदर ऐसा कक्ष बनाया गया है, क्वार्टर बनाया गया है जिसके अंदर गिलहरियां खेलती हैं, उसको बोला गया है ट्री रूम, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए रूम ऑन ए ट्री वेयर स्पिरिट्स प्ले, एक कक्ष जहां पे पेड़ के अंदर ऐसा कक्ष जिसके अंदर गिलहरियां खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू कैटाकॉम्ब्स सिग्निफाई, कैटाकॉम्ब्स क्या सिग्निफाई करता है, तो बच्चों कैटाकॉम्ब्स क्या होते हैं कि एक अंडरग्राउंड छोटी कब्र होती है उनको क्या है कैटाकॉम्ब्स बोलते हैं, तो ये क्या सिग्निफाई करती है, कन्फाइनमेंट टू द स्लम्स द मेट्स बींग इररिलेवेंट, तो जो गंदी बस्तियां हैं वो भी उनके भी घर क्या है छोटे छोटे से घर होते हैं और इन गंदी बस्तियों के बच्चों को क्या है इन जो मानचित्र में अमीर घरों को दिखाया गया उससे वो बिल्कुल भी असंगत होती है, तो कैटाकॉम्ब्स की तुलना इन स्लम्स के होम्स से की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है कन्फाइनमेंट टू द स्लम्स द मेट्स बींग इररिलेवेंट। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, व्हाट डू दीज वर्ड्स एक्सप्रेस, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, स्वयं के संसार को स्वयं जो अवार्ड कर रहे हैं सम्मानित कर रहे हैं वो क्या है, इन शब्दों का क्या अर्थ है, तो मतलब अमीर है वही क्या है सारे हैप्पीनेस सारे सुखों को भोगते हैं, तो अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड का अर्थ है द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द रिच, वो संसार जो अमीरों से जुड़ी हुई है उसको क्या बोलेंगे द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द रिच, उसके लिए ये लाइन आई है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सदाओ कम टू नो दैट द वुंडेड मैन वाज एन अमेरिकन सोल्जर,
सदाव को कैसे पता चलता है कि जो घायल व्यक्ति है वो एक अमेरिकी सैनिक है? तो कैसे पता चला था उसको? जब वो पानी में तैर के आया था तो उसने क्या पहने हुए था? केप पहने हुई थी और उस पर लिखा हुआ था नेवी का नाम कुछ लिखा हुआ था, जिससे उसे पता चलता है। तो किससे पता चलता है? फ्रॉम हिज केप, उसकी टोपी के ऊपर नेवी का लिखा हुआ था सिंबल, उससे पता चलता है कि जो घायल व्यक्ति है वो एक अमेरिकन सैनिक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कूलिंग कवर्ट इन द पोएम ए थीम ऑफ ब्यूटी इज एन एग्जांपल ऑफ। तो कूलिंग कवर्ट में बच्चों क्या है? सी और सी बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं? अलिटरेशन। तो इसमें ये किसका उदाहरण है? अलिटरेशन का उदाहरण है। तो कूलिंग कवर्ट कोई फर्स्ट लेटर है वो बार बार रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं अलिटरेशन। तो वो क्या है इसमें कूलिंग कवर्ट में? क्या अलिटरेशन का यूज किया गया है। वेयर वाज डॉक्टर सदाव्स हाउस सिचुएटेड, डॉक्टर सदाव का घर कहां पर स्थित था? तो कहां पर था? समुद्री किनारे थे जहां पर वो व्यक्ति तैर के आ गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑन द बीच, समुद्री किनारे पर। तो डॉक्टर सदाव का घर कहां सिचुएटेड था? समुद्री किनारे पर। तो बच्चों ये है क्वेश्चन एमसीक्यूज जो आपके नॉलेज को चेक करने के लिए मैंने बनाए हैं, और आप इनको अच्छे से लर्न करें और अच्छे से तैयारी करें। गुड लक।